स्टार्ट। नमस्ते, मैं गणेश शिवरकर, ये अंकित आचार्य। आज मैं ना सीधा सीधा पांच मुद्दे पे बात करूंगा, समझिए। एक तो दिशा सालियान की फाइल गायब कहां से कर दी है मुंबई पुलिस वालों ने, क्या इतने घबरा गए? गायब ही कर दी फाइल, इतना बड़ा घोटाला, देश की जनता पागल नहीं है, वो दबोच गई आपको। दूसरा, आपने सुशांत के मर्डर केस में पोस्टमार्टम करने के बाद टाइम ऑफ डेथ ही नहीं लिखा, चल क्या रहा है, जंगल राज है, अंधा कानून तुम लोगों का। तीसरा, आप बोल रहे हो चाबी वाले का, जब आप किसी को, आपका दोस्त अगर घर में बंद है, आप चाबी ताला तोड़ने के लिए चाबी वाले को बुलाते हो, वो तोड़ता है, तो आप सबसे पहले अंदर देखोगे कि ताले वाले को पैसा देके बाहर भगेगे? ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये है कि आपने कंगना राणावत ने जब सीधा सीधा बोल रहे कि पुलिस प्रोटेक्शन दो, मैं पूरे बॉलीवुड का ड्रग्स वाला गटर साफ कर दूंगी, नहीं है, इस बीच में शिवसेना किसी में कूद पड़ी। अगर आपको डर लग रहा है तो बताओ संजय राउत क्या कर रहे हैं। पांचवा टॉपिक हो फोटोज का, जो बोल रहे हो कि सुशांत एक फोटो को देख के डिप्रेशन में जाता है, जो मुझे डिप्रेशन में मैं था जब मैं सुसाइड करने वाला था, जो आदमी सुसाइड करने से बचा सकता है वो एक फोटो देख के डिप्रेशन में जाता है, थोड़ा सा समझ में आता है? अब सुनिए एक बात, मेरी बात रिया, तो वो आप बेकी बेकी बातें कर रहे हैं वो तक वाले लोग को, ठीक है, वो तक और तक तुम भी सुन लो। रिया ने इंटरव्यू में क्या बोला था कि एक मेरे सपने में मतलब सुशांत आए और उन्होंने बोला कि स्पीक द ट्रूथ, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब मैं भी बोल दूँ कि मेरे भैया मेरे सपने भी आया, तो आरोपी रिया बोल दूँ क्या? ऐसा तो होता नहीं है ना। और रहा बात कि यूरोप ट्रिप में भैया और रिया गई थी, तो रिया ने क्या बोला कि यूरोप ट्रिप में एक होटल में रेस्टोरेंट में कि एक फोटो एक पोस्टर देख के उनको डिप्रेशन आ गया। तो एक बात मानिए, और उन लोग भी उधर भी लोग हैं, तो वो लोग तो देख रहे हैं ना कि वो जो फोटो है वो भी तो देख रहे हैं ना, तो क्यों मतलब उनको भी डिप्रेशन आना चाहिए, भैया को डिप्रेशन आया है तो उनको भी डिप्रेशन आना चाहिए। रिया एक मिनट, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, सुन लो रिया, तुमको ही बोल रहा हूँ, हम और गणेश भैया और जितने भी सुशांत भैया के फैंस हैं, हमको वो होटल में बंद कर दे रख दो एक महीना तक, और वो फोटो हम देखते रहेंगे, देखते किसको डिप्रेशन आता है और किसको नहीं आता है। रिया तुमको बोल रहा हूँ और तक वालों सुन लो, तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, खाली ये चैलेंज है, एक महीना या दो महीना तक रहेंगे वो फोटो देखते देखते रहेंगे हम, गणेश भैया और जितने भी भैया के फैंस लोग हैं, वो खाली वो बंद कमरे में बंद दरवाजा में वो फोटो देखते रहेंगे, देखते किसको डिप्रेशन आता है। अगर एक भी डिप्रेशन नहीं किया तो आप जीत जाएंगे, ये खुले आम चैलेंज है। आज फेम मीडिया की तरफ से हम सारे फैंस को इन्वाइट करते हैं फेम मीडिया के वहाँ कि आइए, अब अंकित बोलेंगे हमारा आगे का, ये फैंस से बात करो जोश में। एक बात बताइए, भैया का मर्डर हो रहा है, दिशा सालियान का मतलब वो छत से मतलब कोई फेंक दे रहा है, तो ऐसा मतलब ये क्या चल रहा है, ड्रग चल रहा है, गांजा चल रहा है, ये सब बात बात में मतलब सबको फंसा रहे हैं। आप लोग मतलब एक जो मूवी देखते हैं अपने पैसे से, मतलब उनको हीरो को या प्रोड्यूसर को पैसा देते हैं, आप वोट देते हैं जो कुर्सी में जिसको बैठाते हैं आप, तो उनको मतलब आपको हेल्प करने मतलब आपको हेल्प ही नहीं कर रहे हो, मतलब सपोर्ट ही नहीं है उनका, मतलब आपका सपोर्ट नहीं है, मैं ये बात बता रहा हूँ, आपका सपोर्ट नहीं है, तो हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा घटना, आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है, तो इनको क्यों सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग? क्या अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है, किसी लड़की को ऊपर से फेंक देते हो, बड़े इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में जाके उसको मार देते हो, फाइलें गायब करते हो, केस को दबा देते हो, धमकियां देते हो, अरे क्या चल रहा है, ये देश की जनता पागल नहीं है, देश की जनता घर दबोच गई तुम्हारा ऑफिस, अब मैं बंद करो ये धंधा, धमकियों वाला धंधा बंद करो। अब मैं फैंस जितने भी मतलब सारे भारतीय जो नारी है भाई बहने हैं उनसे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो भी इंसाफ चाहते हैं भैया के लिए और दिशा सालियान के लिए, तो मैं खाली निवेदन कर रहा हूँ जिनको मतलब सुशांत भैया के जो फैंस भी है और जो इंसाफ चाहते हैं पूरी जो दुनिया में, उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं और गणेश भैया और जितने भी सारे जनते लोग हैं भारत के, उनसे मैं प्रे करता हूँ, हम लोग जो महाराष्ट्र सरकार है उनको उनके जो उद्धव ठाकरे के जो घर है
चीफ मिनिस्टर जो उनको मैं इज्जत करता हूँ, उनको उनके घर पे बाहर घर के बाहर में हम लोग रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता था, भूख हड़ताल करेंगे हम लोग, ये बात है। थैंक यू, नमस्कार सपोर्ट जी। मैं गणेश शिवरकर, ये अंकित आचार्य, हम दोनों सुशांत के केस से रिलेटेड, हम पहले से ये मान ही नहीं सकते कि सुसाइड, ये सुसाइड वाला थ्योरी तो अलग ही कर दो क्योंकि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करें, ये मर्डर ही है, मर्डर ही। तो हम इसके थ्रू ना मीडिया के थ्रू हर जगह जा रहे हैं चैनल में, आज फिर मीडिया से बात कर रहे हैं, तो फिर मीडिया के थ्रू हम बताना चाहते हैं उनके दर्शकों को कि ये मर्डर ही है पहली बार, ठीक है। और ये बाकी के एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, ये अंकित 24 घंटे उनके साथ 2016 से 2019 तक 3 साल 24 घंटे उनके रूम में ही सोते थे, नीचे उसके साथ 24 घंटे रहते थे, ये बोल रहा है कि वो ड्रग्स कभी लिया ही नहीं, वो ड्रिंकिंग अल्कोहल भी नफरत करता था। मैं 2007 से 2016-17 तक साथ में था, मैं बोल रहा हूँ कि वो कभी अल्कोहल से भी नफरत करता था, वो ड्रिंक्स नहीं लेता था। 34 साल उसकी फैमिली उसके साथ रही है, वो बोल रही है कि वो कभी ड्रग्स लेता ही नहीं था, अल्कोहल से भी नफरत करता था। ये रिया जो आके एक साल आके बोलती है कि वो ड्रग्स पहले से लेता था, तो जनता को विश्वास होना चाहिए कि ये तीनों लोग जो उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताए हैं वो ज़्यादा सच बोल रहे हैं कि ये एक अकेले रिया जो एक्यूज भी है वो सच बोल रहे हैं। बताइए अब देखिए, अब भैया के साथ मैं 3 साल तक रहा, मुझे मालूम है कि भैया क्या क्या करते थे क्या क्या नहीं करते थे। भैया तो अभी हाल फिलहाल 1 साल हुई आए हुए, तो मुझे मालूम है कि भैया क्या करते थे क्या। भैया को नफरत था, अल्कोहल से भी नफरत था, ये गांजा ड्रग सीबीडी ऑयल ये सब था ही नहीं जब मैं था, तो ये सब था ही नहीं। एक अक्षय कुमार के जैसे सर के जैसे रूटीन इस्तेमाल करते थे, मतलब उनको खाना में क्या क्या खाना है, डाइट क्या रखना है, एंड जिम भी करते थे। आप हर यूट्यूब में आप देख भी सकते हो जिम कैसे करते रहते थे, एंड वो मतलब एक डम्बल एक ऐसा मतलब अपना जो रूल है वो अपना इस्तेमाल करते थे। अगले शेड्यूल में क्या होने वाला है वो डायरी में लिखते रहते थे, मुझे कहाँ मीटिंग में जाना है, मुझे कहाँ प्रमोशन में जाना है, सब करते रहते थे। डाइट मतलब डाइट खाते रहते हैं, उनको ये भी मालूम है कौन से फ्रूट में कौन से विटामिन रहते हैं कौन से इसमें रहते हैं, सब उनको मालूम है। तो भैया को मालूम है कि ये मतलब ड्रग्स अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उनको तो और आगे बढ़ना था, उनको तो और करियर में और आगे बढ़ना था, उनको और ड्रीम था, ये सब मतलब भैया नहीं कर रहे, ये तो कर ही नहीं, ये मतलब जब मैं था तो करते ही नहीं थे। ये सिर्फ एलिगेशन, फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, ये सिर्फ एलिगेशन है। वो एक बात फैमिली के साथ, मैं खुद 10-12 साल था, 34 साल उसकी फैमिली है, 3 साल 24 घंटे राम बोल रहे हैं कि फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे, तो आप जनता समझ सकते हैं किसकी बात माननी। सेकेंडली क्या होता है, जैसे जैसे नया टॉपिक आया, मुझे एक बात बता दी, रिया क्या मामला सुशांत केस किया है रिया के ऊपर, अननेसेसरीली संजय राउत क्यों बोल रहा है, उसका टॉपिक क्या है बीच में आने का, अननेसेसरीली वो आके सुशांत के डैडी को बोल एलिगेशंस लगाता है फैमिली के ऊपर, व्हाट इज द रीज़न, आप बीच में आए क्यों, किसने बोला आपको, आप इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो इस केस में, आप रिया को बचा रहे हो, यही है इन्वॉल्व। मुंबई पुलिस को क्या बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेकर सुशांत के घर तक पानी का बॉटल नहीं मिला, तो सुशांत के घर पर पानी मांगने चले गए सीबीआई जब वहां पहुंची, मतलब मुंबई पुलिस भी इन्वॉल्व है। आप अननेसेसरी, ये लोग इतना घबरा चुके हैं कि घबराहट में कुछ भी गलतियां कर रहे हैं। आप अभी जो टॉपिक आया है, इन्होंने जो टॉपिक निकाले रोज रोज निकालने की कोशिश करके भटकाने की, कंगना रावत जब बोल रही है कि भैया आदमी मुझे प्रोटेक्शन दो, मैं बॉलीवुड का पूरा चिट्ठा ड्रग से बाहर फेंक दूंगी निकाल के, पूरा एक गटर बोला उसने, पूरा गटर साफ कर देंगे तुम्हारा, तो उसको उस बीच में ये अभी संजय राउत के उसमें भी इन्वॉल्व ड्रग्स में, उसको क्या बोलने की जरूरत है कि अगर तुम डर रही हो तो मत आओ। बल्कि मुंबई पुलिस को ये बोलना चाहिए कि कंगना जी अगर आपको डर लग रहा है तो हम पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं। इसका मतलब क्या है कि शौबिक और रिया सही है, हम लोग झूठ चार्ट के हिसाब से तो यही पता चला है जो प्रूफ है कि रिया और शौबिक ड्रग्स लेते ही नहीं थे, सप्लाई भी करते थे। अभी तो व्हाट्सएप पे चिट्ठा खुल रहा है ना, आप लोग देख ही रहे हैं, सुशांत के किसी भी चैट में पता नहीं चलता कि वो ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी केस में है। आज हमको संजय गुप्ता ने लाइव धमकी दे दिया, अननेसेसरीली धमकी दिया कि अब आपको शिवसेना सैनिक आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जमीन आसमान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, रोड पे आके पीटेंगे। शिवसेना बीच में आ क्यों रही, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है।
अब सीबीआई जांच के बाद भी ये लोग फड़फड़ा रहे, क्या करें यार, क्या कर रहे, फड़फड़ा रहे, डर के चक्कर में ये लोग गलतियां कर रहे। मत करो गलतियां। उनका मेरा सीधा सीधा सजेशन है, आप खुद से सरेंडर कर लो, जेल चले जाओ, बच जाओगे, वरना जनता रोड पे आ गई, पता नहीं कोई भी आके मार देगा तुमको। दिशा के केस के बारे में कुछ क्या कहना चाहते हैं? दिशा का केस तो 100% इससे कनेक्टेड है, क्योंकि तभी तो दिशा के केस को दबाया जा रहा था। ये एक्चुअली मर्डर क्यों हुआ? इन्होंने दिशा का केस 2 घंटे में लोग भूल गए, इन्होंने फट से बता दिया सुसाइड है, लोगों ने भी कुछ बोला नहीं, इस लोग दिशा को जानते नहीं थे तो भूल गए। ऐसे ही इनको लगा सुशांत को भी मार दो, भूल जाएंगे लोग, लेकिन वो हुआ नहीं, अब घबरा गए। सीबीआई जांच रोकने के लिए 2 महीने फुल ट्राई किया इन्होंने, लेकिन जनता तो जनता है, जनता को तो नहीं रोक सकता ना कोई, आ गई जनता सामने, होगी सीबीआई जांच। अब इनके ऑफिस घबराहट के कारण 50 गलतियाँ करेंगे, अब इस केस में सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, पॉलिटिशियन, ड्रग्स, फिल्म इंडस्ट्री, सब बाहर आएगा कचरा, फिर पता चलेगा लोगों को क्या है। और ये इतना झूठ बोल गए, एक कौन से इंटरव्यू में, नाम तो नहीं बताऊंगा, वो चैनल का इंटरव्यू में क्या बोल रही कि मेरे सुशांत सपने में आया था और बोला कि स्पीक ट्रूथ, कुछ भी बोली जा रही है, ये सब तो नहीं है, ऐसा मतलब मेरे सपने भी तो आया था तो मैं भी बोल दूँ क्या, ये आरोपी है, ये भी बोल दूँ ना, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है ना। और बैकी बैकी बात करिए, बोल रही कि ए डी सर के सामने कौन है, कौन सा पोस्टर देखिए उनको डिप्रेशन आ गया। अच्छा आप ये बताइए, और भी तो वहाँ पे और भी तो लोग हैं, वो भी जो देख रहे हैं, उनको भी तो डिप्रेशन आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया? ऑफकोर्स उनको आना चाहिए था, बट भैया को क्यों? और जहाँ बात की, भैया कभी भी 24 घंटे बंद नहीं रहते थे, मतलब रूम में बंद नहीं रहते थे। उन्होंने क्या बोला कि इटली मतलब जो यूरोप में जो ट्रीटमेंट रहते हैं वहाँ एक होटल रेस्टोरेंट है, वहाँ 3 दिन तक बंद थे, भैया कभी 3 दिन बंद ही नहीं रहते, उनको मतलब खुला चाहिए, खुला आसमान चाहिए, जब भी बंद रहता था वो अपने से दरवाजा खोल लेते थे, विंडोज़ खोल लेते थे। ऐसा तो नहीं है भैया को, मुझे मालूम है ना, वो तो अभी आई है, हाथ मिला है, मैं तो जानता हूँ ना भैया को। तो सुशांत के कातिल रोज़ टॉपिक उठाते रहेंगे, हम रोज़ प्रूफ के साथ उनको गलत साबित करते रहेंगे, लेकिन एक बात समझ लो, खुद चले जाओ जेल में, वरना किसी दिन सुशांत का पैर आके गोली मार देगा, क्योंकि जनता भड़क चुकी है, सुधर जाओ, जेल चले जाओ, आपको ये धमकी वाला धंधा बंद करो, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, कबूल लो भाई, कबूल लो, जेल चले जाओ अपने आप, मैं तो जितने भी फैंस है भैया के छोड़ेंगे नहीं, पक्का बंद करो।